सर्दी, धुंध और कोहरे के आगमन को देखते हुए रेवाड़ी सड़क एवं यातायात परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि हर साल सर्दियों के आगमन के साथ साथ घनी धुंध और कोहरे के चलते सड़कों पर दौड़ते 50% वाहनों पर रेडियम और रिफ्रैक्टर न होने के कारण रेवाड़ी में लगभग 300 लोगों की जान सड़क दुर्घटना में चली जाती है। ऐसा न हो इसके लिए विभाग ने सभी ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग में बताया कि वह अपने वाहनों पर रेडियम टेप और रिफ्रैक्टर लगाना सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, आरसी व लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर दुर्घटनाएं रिफ्रैक्टिव टेप न होने के कारण से फॉगी सीजन के अंदर उस कारण से होती हैं, और इसके लिए हम जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें हम बस स्टैंड पे जा कर के और जितने भी बस अड्डों पे जा कर के और ट्रांसपोर्टरों को बुला करके उनको एड्रेस करेंगे कि वो अपने वाहनों के पीछे अपने रिफ्रैक्टिव टेप लगाएँ और ड्राइवर को ये संबोधित करेंगे कि फॉगी सीजन के टाइम में अपने जितने भी अपनी जो गाड़ी को बिल्कुल ऑन ऑफ की रोड खड़ा करें और अपने जितने भी इक्विपमेंट जैसे टेप रिफ्लेक्टर हो गया, रिफ्लेक्टर लाइट है, उसका प्रयोग करें ताकि ये दुर्घटनाएं ना हो। सर, देखने में आता है कि अक्सर जो दुर्घटनाएँ होती हैं वो शराब के नशे में होती हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहें? हम इस एडवाइस, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी समय समय पर ये अल्कोहल के चलान करती रहती है इसके में, और इसके बाद मेरी एडवाइस है कि शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं, ठीक है, अपनी जो गाड़ी को सेफ जगह पार्किंग करें ताकि कोई इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। और सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण होता है तीव्र गति, क्या उनकी लिमिट भी बाउंड की जाएगी धुंध के मौसम के अंदर? हाँ जी, इसके में हम सारे बोलेंगे कोई आदमी जो कोई भी वाहन तीव्र गति पर ना चलें, ठीक है। इसके बारे में हमारी ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर हाईवे पे, और इसके अलावा हमें जितने भी प्रिकॉशन हैं, ओवरलोडिंग के भी हमने पिछले महीने 1,16,00,000 के हमने चलान किए हैं ओवरलोडिंग के आ करके, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो ओवरलोडिंग के व्हीकल हैं ये भी बड़े डेंजरस होते हैं रोड पर, और फोगी सीजन में तो वो भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाए? उल्लंघन पर हमें ज़्यादा सख्त से सख्त चलान करेंगे और उनके जो है उनके परमिट भी हम कैंसिल कर सकते हैं, पर जो ज़्यादा रिलेक्टेंट होगा उसके खिलाफ हम उसकी आरसी भी कैंसिल।